हमारी एनिवर्सरी है और आज एनिवर्सरी की शॉपिंग हो रही है। आज पूजा को एक स्पेशल सा गिफ्ट चाहिए हमसे, गोल्ड। इसको इग्नोर करना है और अपने काम पे फोकस करना है। हे फैमिली, तो मार्केट से आ गए और मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट भी मिल गया, तो वो वाला व्लॉग स्पेशली मैं आप लोग शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5 हे फैमिली, तो अभी एनिवर्सरी की शॉपिंग करने जा रहे हैं और शिवांश के मामा के साथ और भैया के साथ। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमारी एनिवर्सरी है और आज एनिवर्सरी की शॉपिंग हो रही है। आज पूजा को एक स्पेशल सा गिफ्ट चाहिए हमसे, गोल्ड। तो आज हम गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए मोहाली फेज वन, भैया कौन सा है लोकेशन? 3B2। ये 3B2 में हम लोग घूम रहे हैं अभी, और अभी हम लोग तनिष्क में गए थे बट इसको यहाँ पे डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो अभी एक दो गोल्ड शॉप और है, चलते हैं वहाँ पे। और क्या लेने वाली है वो तो मतलब इतना बता दूँ आपको, गोल्ड लेने वाली है बट क्या रहेगी वो सब तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद नहीं आ रहा था। एक के डिज़ाइन पसंद आया था तो वो एकदम इतना सा था, लग रहा था कि एकदम छोटे बच्चों का पहनने वाला। ये सही लग रहा है। गोल्ड गोल्ड अभी गोल्ड रेट मैम क्या है आज का? है सर, गोल्ड रेट है 51,530 51,530 यहाँ पे साइन कर लीजिए सर। Hey everyone, shopping done and gold पूजा ने ले लिया है। मेहंदी लगने चालू हो गई है एंड देख सकते हैं कल एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी की तैयारी हो रही है। अरे वो लड़का, तो गोल्ड हमने ले लिया था और अभी मेहंदी लग रही थी और यहाँ पे मार्केट में कांड हो गया था, ये देख सकते हैं बहुत सारा भीड़ था बट हमको इसको इग्नोर करना है और अपने काम पे फोकस करना है। हे फैमिली, तो मार्केट से आ गए और मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट भी मिल गया, तो वो वाला व्लॉग स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। क्या यार, लेके आऊंगी वो वाला व्लॉग स्पेशली कि मुझे एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट मिला। तब तक आप लोगों के मन में थोड़ा सा सस्पेंस होगा तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। और मेरे हाथों की मेहंदी सारी सूख चुकी है तो मैं अभी मैंने सारा हटा दिया है क्योंकि सभी जगह रूम में इधर उधर फैलता है, इससे अच्छा मैंने एक जगह बैठ के सारा अच्छे से हटा दिया। और ये जो मेहंदी भैया ने लगाया है ना, ये मेहंदी अलग ही था। मतलब हम लोग जो मेहंदी घर पर लगाते हैं वो मेहंदी ऐसा नहीं होता, इतना पतला पतला लगाया है फिर भी इतना सुंदर कलर आया हुआ है। ऑरेंज ऑरेंज क्या, क्योंकि उसका जो आगे का निकलने वाला होल होता है वो पतला बनाया जाता है, इतना पतला लगने के बाद भी इतना रेड हो गया। बाकी भाभी अभी नहीं आई है क्योंकि मेन जो शेफ होता है ना वो भाभी है, तो हम लोग छोटे मोटा काम करके रखते हैं, तब तक भाभी आएंगी और उसके बाद कुर्सी पे बैठे हुए हाँ उसके बाद भाभी सब कुछ बताएंगी कि कैसे करना है। बाकी अभी भैया और ये कुछ डेकोरेशन का कुछ पता नहीं पता करना था तो ये गए हैं डेकोरेशन ये सब के बारे में पता करने, ये और भैया। शाम के 7 बज चुके हैं और आज बहुत सारा वर्क हुआ, गोल्ड पूजा को लेना था, गोल्ड लिया, मेहंदी लगवा लिया उसने और बाकी कल की तैयारी करनी है हमें एनिवर्सरी के लिए। तो अभी पीछे देख सकते हो केक हमने ले लिया एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। घर पे सभी लोग एकजुट हो चुके हैं, मम्मी भैया एंड दीदी वगैरह सभी लोग। ये डिजाइन है छोड़ी थी वैसे ही दरवाजे पे लग जाए ना एकदम मस्त, बीच में ब्लॉकेज आ जाएगा एक छोटा सा, है ना?
अभी यहाँ पे बलून फूलने हैं और किधर गए, ये मैंने एक फुलाया अभी, अभी और फुलाते हैं। और ये हैप्पी एनिवर्सरी का है, प्री एनिवर्सरी की तैयारी हो रही है, यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है जो कि भैया कर रहे हैं हमारे। कहाँ से फूलेगा? अच्छा यहाँ से पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से फूलेगा। कितना इजी है उसको फुलाना। और यहाँ पे मम्मी लहसुन छील रही है, लहसुन प्याज सोया चाप के लिए कुछ भी बना देते हैं। हाँ एक बार अगर कढ़ाई गंदा हो जाता है ना तो फिर साफ नहीं होता। आपका भी आईब्रो बढ़ा हुआ है, बनवाएगा या नहीं? जाना कल ही चल जाएगा। पता उतरा ये फेवरेट है, ये एक गाड़ी फेवरेट, हम तुमको कल ला देंगे ऐसा। ये फेवरेट गाड़ी है ये कर, हाँ हम ऐसा ही ला देंगे। शिमला से ला लई है, शिमला चौकट ला वाला। हां शिमला से लाया मेरा बेटा गाड़ी वाला। अच्छा शिमला का है, सिंगापुर का नहीं है पता, जब सिंगापुर से ला लेना अब जाके सिंगापुर से लेकर आ। तो यहाँ पे सारे बैलून्स फूल रहे हैं और शिवांश की मस्ती देख सकते हैं, कितना मजा आ रहा है। क्या ला? मम्मी चक्कू दे दो। मम्मी रोई थी भैया, भैया मम्मी रोई, तुम ही रो ला रही है, हमारा इसमें कोई नहीं है। मम्मी मम्मी का रो रो के हुआ बुरा हाल हमारी एनिवर्सरी। हो गया, इसमें क्या डाले हैं? क्या चाहिए भाभी आपको? चम्मच चाहिए, करछू छोड़नी कुछ चलेगा ना? हरी दही में मिला रहे हैं, हरी दही में ताकि इसका लेयर खुल जाए। तो यहाँ पे स्वैच आपके लिए अब ग्रेवी तैयार किया जा रहा है। इसको फ्राई, इसको पीसना है। लहसुन है इसमें, अदरक है, प्याज है, जीरा है, टमाटर भी पीसना है। चिपके हुए हैं, डबल एन और आई बहुत चिपके हुए हैं। हाँ स्कूल में पढ़ने टाइम भैया एनिवर्सरी का स्पेलिंग नहीं पढ़े थे। तू कहाँ है चप्पू? यहाँ पे अभी जो प्याज का पेस्ट था वो इसमें डला है और मसाला डलेगा, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, अगर मीट मसाला भी डालना है ना। और शिवांश को सुला रही थी तो वो अभी सो नहीं रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है। और यहाँ पे सारा डेकोरेशन हो चुका है और ये स्पेशली शिवांश की वजह से ये वाला लड़ी ऊपर किया हुआ है, नहीं तो उसने तोड़ दिया था। तो यहाँ पे सोया चाप में सारा मसाला डला चुका है, टमाटर पीसा हुआ था वो भी डाल दिया है क्या? सब कुछ डला गया, नमक वमक सब डला, मतलब तैयार हो गया सोया चाप, सीझेगा क्या? ओ और सुखाएंगे ना। हे फैमिली, तो यहाँ पे सब्जी बन चुका है, यहाँ पे दूध चढ़ा दिया है मैंने और यहाँ पे मम्मी बना रही है रोटी। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि केक कैसे कटेगा। हे फैमिली, तो काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, बस 12 बजने ही वाले हैं और आंखों में नींद इतनी ज्यादा आ रही है ना कि क्या ही बताऊं। लेकिन सभी लोग हंसते खेलते, टाइम कैसे पास हो जाता है पता नहीं चलता है। मेरा नींद बहुत आ रहा है, हमको माफ करिए, हमको जाना है। उस टाइम से सबकी मस्ती चल रही है और केक अभी तक नहीं काटा है, सब लोग परेशान हो रहे हैं कि नींद सबको बहुत ज्यादा आ रही है, मेरी आंखें भी एकदम चढ़ी चढ़ी सी लग रही है। 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट बचे हुए हैं एंड अभी सभी लोग, सारे फैमिली मेंबर्स जगे हुए हैं हमारी प्री एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। फिलहाल सब कुछ रेडी हो चुका है, हम सोच रहे हैं ना कि जल्दी से केक काटते हैं, 12 बजने वाले हैं एंड इसके बाद मौज मस्ती होगी थोड़ी सी और सेलिब्रेशन होगा, बाकी कल का जो पार्टी शार्टी होगा वो कल होगा। ठीक, और
कहीं हमारा केक ना पिघल जाए। पिघल जाए सही बात है। हे एवरीवन, रात के 12 बजने वाले हैं एंड अभी सेलिब्रेशन होने वाला है। मतलब कि अभी स्टार्ट होने वाला, बस 10 से शुरू करेंगे हम। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तुम केक बउआ के सर पे मत पटक देना नीचे। आइए आप दीदी, आप आइए। दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। पूरा खाने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। ठीक है, तो सभी लोग खाने का तैयारी हो रहा है अभी। सभी लोग बिजी हैं इधर भैया। तो बहुत